तो जय हिंद। सहारा इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ क्या न्यू अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक खबर दोस्तों बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जितने भी भाई निवेशक हैं उनके लिए बड़ी खबर है, वो लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू कर दो, दिखाते हैं। ये देखिए, सहारा इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन के खिलाफ नया मुकदमा हुआ दर्ज। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये देखिए अपडेट है, 1 मार्च 2023 का अपडेट है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, सहारा इंडिया न्यूज 2023। मुश्किल में आए सहारा प्रबंधन लगातार FIR के घेरे में बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रबंधक के खिलाफ पिछले 3 साल से हर थाने में जाकर निवेश अपनी FIR दर्ज करा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से दोषी सहारा प्रबंधन मौजूद है। आपको बता दें कि परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सहारा के खिलाफ लगातार FIR दर्ज की जा रही है। अब सहारा के खिलाफ एक और नई FIR उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज हुए हैं। जानकारी है कि भारी प्रदर्शन के बाद यह FIR को सीतापुर की कोतवाली में दर्ज किया गया है। उसके बाद नीचे चलते दिखाते हैं कि सीतापुर जिले में दर्ज हुआ मामला। जानकारी के अनुसार सहारा प्रबंधक के खिलाफ और निवेशकों के साथ सीतापुर जिले के किसान यूनियन लगातार निवेशकों की आवाज को पटल पर रखते हुए थाना कोतवाली में सहारा प्रबंधक के खिलाफ FIR की मांग कर रहा था। वहीं किसान यूनियन का प्रदर्शन करीबन 40 दिन से ज्यादा चला, जिसके बाद अब आखिरकार किसान यूनियन की मेहनत रंग लाई है। आपको बता दें कि किसान यूनियन के कारण ही सहारा प्रबंधक के खिलाफ सीतापुर जिले में यह मुकदमा दर्ज हो पाया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हुए किसान यूनियन के 2 बड़े लीडर पिंदर सिंह सिद्धू समेत नवल किशोर मिश्रा हर समय निवेशक के साथ मौजूद रहे हैं। उसके बाद चलते नीचे क्या है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो भाई कुछ यहाँ देख सकते हैं, देखिए, सहारा इंडिया के खिलाफ समाप्त हुई ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। उसके बाद कुछ दस्तावेज है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, सहारा से भी तो बहाना है निवेशक। सीतापुर जिले के जब निवेशकों ने न्यूज दुनिया की टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि सहारा सेवी के केस तो सिर्फ एक बहाना है, असल में निवेशकों को बरग लाना है। यह कहते हुए निवेशकों ने कहा कि हम लोगों ने सुप्रीत राय सहारा के देखते हुए पैसा सहारा में जमा किया था, परंतु सुप्रीत राय सहारा ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जिसके बाद अब हमारी थाना कोतवाली सीतापुर में हमने सहारा के प्रबंधक के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर अपने पैसे की मांग दर्ज कराई है। उसके बाद नीचे चलते दिखाते हैं, देखिए, सहारा के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा, तो मैं आपको एक एक स्टेप दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, सहारा प्रबंधक के खिलाफ जो FIR सीतापुर की कोतवाली में दर्ज हुआ, उनमें मुख्य रूप से आरोपी के रूप में सुप्रीत राय सहारा पत्नी स्वप्रा राय, ओपी श्रीवास्तव, अनित कुमार पांडे, राणा जिया, डीके श्रीवास्तव, रोमी दंत एवं प्रदीप श्रीवास्तव सुमार है। वहीं इस FIR का क्रमांक 0109 है, जो कि थाना कोतवाली सीतापुर में दर्ज की गई है। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी सुने हैं, सही सुने हैं भाई, ये न्यूज फेक नहीं है, ये रियल न्यूज है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। यदि आप लोगों ने चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, और चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।